अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और मैं न्यूजीलैंड में हूँ और यहाँ पे सीन कुछ ऐसे है। ये हमारे हाथ में जीत रहे हैं, इंशाल्लाह 7 आउट हो गए, लेकिन बस केरन पोलार्ड आउट हो जाए ना तो थोड़ी ना तसल्ली हो जाएगी, डन हो जाएगा, स्टैंप लग जाएगी कि वो खत्म। इस्लामा यूनाइटेड की टीम मैच पे जाने के लिए तैयार है। मेरे साथ सरफेल 7 रैंडम ब्लॉगर, पता नहीं कहाँ से आ जाते। मैंने आपको बताया था कि एक वाइब आती है मैच से पहले, मुझे आज कोई अच्छी सी बात नहीं है। आई होप जीत जाएं इंशाल्लाह, सब भाई हाथ उठा ले, लेकिन एक वाइब का क्या करें, मेरी तबीयत भी ख़राब है, शायद वाइब मेरी थोड़ी सी ना ऑफ हो गई। इसको मैं ठीक करूँगा, हो जाएगा ठीक। हम लोग जा रहे हैं शारजा स्टेडियम की तरफ, आज मैच शारजा में, हमें टीम बस में जगह नहीं मिली तो हम अली और पीरू साई सरखेल के साथ फ्री हो गए। सरखेल आप माइंड तो नहीं कर रहे? नहीं, नॉट एट ऑल। हम लोग शारजा स्टेडियम के पास हैं, पीरू को बहुत भूख लगी है, मुझे भी बहुत भूख लगी है, हमने आज का नाश्ता मिस कर दिया था होटल वाला, तो अभी चाय तो पीता नहीं हूँ मैं, हम पराठा खाएंगे, ये चाय भी पिएगा शायद। पीरू भाई चाय पिएंगे आप? वो वॉलेट भूल गया मैं यार, बहुत उस वजह से मैं चाय नहीं पीता। जो जो लोग चाय पे डिपेंड करते हैं उनको जब चाय नहीं मिलती तो वॉलेट भूल गए पीरू भाई, बेकार जिंदगी इसकी चाय के बगैर। नहीं है ना, छोड़ दे बस। पीरू भाई और सरखेल अंडा पराठा खाएंगे। भाई ये भाई की साइकिल है, भाई इधर बैठे हैं, तो भाई साहब ने थोड़ा इजाज़त ली है, बड़ा दिल चाह रहा है साइकिल चलाने का, इतने दिनों से कोई आउटिंग नहीं हुई है। और वापस आ, ज़ूम ज़ूम। खाना आ गया है। अली आप आर यू श्योर आप कुछ नहीं ट्राई करेंगे? रैप और ऑरेंज जूस भी है मेरा, तो हम खाना खाएंगे उसके बाद मैच पे जाएंगे। हमारी टीम पहुंच चुकी होगी, आई थिंक वार्म अप भी शुरू हो चुका होगा। मैंने आपको बोला था जब तक हम पहुंचेंगे वार्म अप हो रहा होगा, और अभी टाइम हुआ है काफ़ी दिन बाद सीन्स एंड सन्स पिच रिपोर्ट। पिच बड़ी फ्लैट है और क्रैक्स हैं और घास वास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पिच थोड़ी सी डल है, उतनी शाइन नहीं कर रही, तो अब मुझे अल्लाह की कसम कोई आइडिया नहीं है कि ये बॉलर्स के लिए फ़ायदेमंद है या बैट्समैन के लिए। मैंने बस बता दिया ये है, घास नहीं है, क्रैक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल सेम, अच्छा मैच, अच्छा गेम है, गेम होगी। हाँ, मेरे साथ बाजिद खान है। बाजिद भाई, मैंने पिच देखी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अगर पिच पे इतनी शाइन नहीं हो और क्रैक ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है? मैंने भी देखी, मुझे भी कुछ समझ नहीं ये पिछले धोखा ही किया है शारजा की पिच। पहले क्रिकेट इधर इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप बता दें, नॉर्मली ना जब इस पे शाइन होती है और रोल बड़ा अच्छा होता है तो बॉल बैट पे आता है, लेकिन क्योंकि इधर मेरे ख्याल पिछले 3 महीने में इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो गई है कि वो शाइन भी आ रहा है लेकिन बॉल बैट पे नहीं आ रहा। सारे जितने प्लेयर से भी डिस्कस किया ना, वो भी ये कह रहे हैं कि शारजा में कभी ऐसा नहीं, होपफुली आज इनको 4-5 दिन मिले हैं रेस्ट के तो शायद देते रहे। ये एस लिखा हुआ है, लाइन लगी हुई है, ये समी भाई का रनअप है, मोहम्मद समी यहाँ से स्टार्ट करके बॉलिंग कराएंगे। साथ मौजूद हैं समी भाई। समी भाई, आप जब आपने सुपर ओवर, समी भाई ने सुपर ओवर भी कराया था, तो आप कभी प्रेशर में आके घबराना शबराना एंक्शस होना? जाहिर सी बात है, सब चलता रहता है, प्रेशर तो आता ही है, लेकिन इसको ही कोप करना होता है। यही है कि आप प्रेशर में किस तरह अपने आप को फोकस करते हैं, किस तरह डिलीवर करते हैं, तो जब प्रेशर तो आपके पास जाहिर सी बात है, इस लेवल पर खेलने में प्रेशर होता ही है, लेकिन आपको उसको कोई ऐसी स्पेशल चीज़ जो आप मैच से पहले करते हो जिससे आपकी नर्व्स काम हो जाती है? मैच से पहले अपना रूटीन है जो करते आ रहे हैं इतने सालों से। मुझे पता है बस में बैठे होते हैं और फुल जो है ना EDM लगा होता है, दुनिया में आगे पीछे कोई भी चल रहा था, कोई कुछ नहीं सुनता, बस ये अपने जोन में होते हैं। आज हमने फुल प्लानिंग की है कि शायद किसी तरह हम टीवी में आ जाएं, मैं और पीरू दोनों, यहाँ पे ज़रा ज़्यादा चांस है क्योंकि यहाँ पे कैमरे वाला ज़्यादा आता है, हमें टीवी पे आना है। आएंगे इंशाल्लाह। इस्लामाबाद यूनाइटेड का फ्लैग है ये,
हम तुम एक फ्लैग के नीचे हो और शेरू जी जाए। दुश्मन के मोर्चे में हमने रसाई हासिल कर ली है। सुल्तान सुल्तान का बॉक्स है और इनके हौसले काफ़ी पस्त लग रहे हैं। 2 ओवर में 2 आउट 10 रन। और हमारे साथ ख्वाजा बैठे हैं, सारे व्लॉग्स की जान। ख्वाजा भाई, आपको पता है अभी वार्म अप के दौरान मुझसे मोहम्मद समी ने पूछा, यार आज ख्वाजा नहीं आया तुम्हारा व्लॉग अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए मैं आया हूँ ताकि समी भाई भी खुश हों, अपने इजलू बॉयज़ भी खुश हों और मेरी टीम कोई बात नहीं बाहर होगी, लेकिन मिसबा दिल दिल मिसबा जान जान मिसबा इंशाल्लाह हम इजलू के साथ। पहले मिलाना है, लेट्स कर डू इट। 1 2 3 अच्छा ये वाला, ये वाला हाँ। 3 4 सही है याद है, अब आगे याद है। ठीक है देख अब हुआ है। भाई सीन कुछ ऐसे हैं कि हम दुआ कर रहे हैं कि मैच जल्दी ख़त्म हो जाए, वैसे ही 5 आउट कर दिए हैं पोलार्ड को भी। पोलार्ड खेल रहा है अभी, शुएब मलिक को आउट किया शायद आपने, तो जल्दी मैच खत्म हो ताकि हम जाएँ मैन्यू सविया का बिल्डअप देख लेंगे। अच्छा मैच है वो भी हमारी टीम ने, मतलब बाद में क्या करना है इनको। अभी भी हमारे हाथ में जीत रहे हैं, इंशाल्लाह 7 आउट हो गए, लेकिन बस केरन पोलार्ड आउट हो जाए ना तो थोड़ी ना तसल्ली हो जाएगी। मैच से पहले मैं समी भाई से पूछ रहा था कि आप प्रेशर में बॉलिंग कैसे कराते हैं, फोकस कैसे रखते हैं। किरण पोलार्ड हर जगह छक्के मार रहा था, समी भाई ने आउट किया। समी भाई नॉट कम इन।